नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज़। विदिशा जिले के ग्यारसपुर में फटा कोरोना बम। विदिशा के ग्यारसपुर में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। कंटेनमेंट एरिया से आई 11 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट, जिनमें से 24 सैंपल लिए गए थे। एक सप्ताह पूर्व एक महिला की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। उन्हीं के परिवार में से 2 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके साथ ही उनके घर के सामने वाले परिवार के 9 सदस्यों की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तहसीलदार और साथ में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुँच उचित कार्यवाही की। कैमरामैन सीताराम सूर्यवंशी के साथ आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। क्योंकि हम लोग कंटेनमेंट जोन में अपने 11 में हमें शुरू से एक ही काम करेंगे। कंटेनमेंट जोन में जितने भी लोग कंटेनमेंट एरिया में रहते हैं, हम सबके सैंपल लेते हैं। और अब सैंपल हम पहले 5 से 14 दिन के बीच में 7वें दिन ले रहे थे, 8वें दिन ले रहे थे, इस बार हमने सैंपल 12वें दिन लिए हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, गाँव में एक गाँव घर पास पास में होते हैं, सब एक लोग एक दूसरे से मिलते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं। तो पूरे कंटेनमेंट एरिया के सैंपल निकालने की वजह से ये रिपोर्ट 10 की पॉजिटिव आई है। 34 में से 10 पॉजिटिव निकले हैं। सर, एक चीज़ और देखने में आ रही है, कंटेनमेंट जोन में आज तक कुछ सिक्योरिटी गार्ड किसी को नहीं बिठाया जा रहा है, प्रशासन द्वारा। इसका क्या वजह है? नहीं, वो पुलिस फोर्स है, लेकिन पुलिस फोर्स की कमी की वजह से कुछ नहीं, कोटवार को बिठाया जाता है जी, चौकीदार रहता है यहाँ पर। पुलिस बल थोड़े से कमी की वजह से हर कंटेनमेंट जोन में पुलिस कर्मचारी को बिठाना पॉसिबल नहीं, कोई कोटवार लोग बैठते हैं, चौकीदार बैठता है। सर, साथ ही जो जिन लोगों के सैंपल लिए जाते हैं, क्या उनको क्वारंटाइन नहीं किया जाता क्या? क्वारंटाइन किया जाता है। तो सर, देखा जाता है कि जितने लोगों को सैंपल किए जा रहे हैं वो अपने घर से बाहर घूमते हैं, इससे भी कई संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। आप लोग मीडिया वाले हमारे वो करें कि आपको जो भी जिनके सैंपल लिए अगर बाहर घूमते हुए निकलते हैं तो उनके ऊपर FIR का प्रावधान है। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें कि अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि सैंपल लेकर बाहर घूम रहा है तो हम लोगों को इत्तला दें, हम उनके ऊपर FIR करवाएंगे।